वो लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप इस देश की जनता और बिहार की जनता सन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार भी बढ़ेगा और बचेगा। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाली पार्टी आरजेडी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार ने तो बिहार की जनता ने उन्हें 22 पर अटका दिया था। फिर वो पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। देखिए, आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस था। अब इस स्थापना दिवस में बता दें कि लालू प्रसाद यादव यहां मौजूद थे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया कार्यकर्ताओं के साथ, तो एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में अब भूचाल आ गया है। अगस्त आते आते सरकार गिर जाएगी, लालू यादव के इस बयान से अब एनडीए में खलबली मच गई है। वहीं आपको बता दें कि आज पटना में बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनका सम्मान होना था। अब इस बयान पर नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह लालू प्रसाद के इस बयान पर, आप खुद सुनिए। महीने में केंद्र सरकार गिर जाएगी, स्थापना दिवस था आ जाने। लालू जी ने कहा है आराम से यार। ओ लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप इस देश की जनता और बिहार की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर यह इच्छा जता दी है कि अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा और देश बचेगा। उसी तरह से बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार भी बढ़ेगा और बचेगा। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाली पार्टी आरजेडी, जंगल राज स्थापित करने वाली आरजेडी, इंडी गठबंधन को बिहार अब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार गिर जाएगी, आज स्थापना दिवस था आरजेडी का। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का लॉकेट पहन ले, जो उन्होंने एक अभय दान दिया उनको आभार प्रकट करें। नहीं तो बिहार की जनता ने उन्हें 22 पर अटका दिया था, फिर वो 22 पर चले जाए। तो सुना आपने किस तरीके से नित्यानंद राय ने ये बोला है कि जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी आरजेडी अब जल्द ही खत्म हो जाएगी। बोलना काम है उनको, बोलते रहने दे। वहीं आपको बता दूं उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने इस बार दिखा दिया है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। जंगल राज स्थापित करने वाली आरजेडी पार्टी इन मुद्दों पर बातें करना बंद कर दे। भाजपा एनडीए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की ही सरकार बनी रहेगी। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने भी कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश के तस्वीर को पूजना चालू कर दे। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 22 सीटों पर जिस तरीके से वो रह गए थे, कहीं इस बार उसी 22 सीटों पर ही ना रह जाए या उससे कम ही ना रह जाए। देखने वाली बात होगी किसी भी पक्ष क्या कुछ कहती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।